नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में पूर्ण तालाबंदी की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री सीएम ठाकरे ने दिया बयान। अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, मोदी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। दिल्ली में नकली करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़, बिहार का एक शख्स गिरफ्तार। भंडाफोड़, फरवरी में भारत में आएगी ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, अमेरिकी एक्सपर्ट का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूर्ण तालाबंदी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अनुचित दबाव में आने से रोकना चाहती है। राज्य सरकार ने 10 जनवरी की मध्य रात्रि से दिन के दौरान 5 या अधिक के समूह में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात में सभी सार्वजनिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। आज रविवार 9 जनवरी 2022 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा थे जिन्होंने वर्ष 1699 में खालसा परंपरा की स्थापना की थी। वे समाज में उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए बेहद लोकप्रिय थे, इसलिए दुनिया भर में गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाने के लिए खुशी और उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पीएम ने ऐसा ऐलान करते हुए कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धर्म रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। उनके 4 बेटे धर्म रक्षा के लिए ही शहीद हो गए थे। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे 26 दिसंबर 1704 को महज 9 और 6 वर्ष की छोटी उम्र में शहीद हो गए थे। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, वीर बाल दिवस उसी दिन होगा जिस दिन साहेबजादा जोरावर सिंह जी और साहेबजादा फतेह सिंह जी शहीद हुए थे। इन दोनों महान अनुभवों के धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान किया है। वहीं राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही यूपी बीजेपी ने अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी। वहीं इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ होंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया है। इसके साथ कहा कि वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी ने यह भी कहा कि वह पंजाब में अगली सरकार बनाएगी जहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। बता दें कि आप राज्य में मुख्य विपक्षी दल है जहां वर्तमान में कांग्रेस सत्ता में है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 10 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन नेताओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 6ठी पुण्यतिथि के दौरान कोविड सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप है। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान बिरी सहित 10 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजबेहरा में मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र के पास पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था। पुलिस ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरियाणा के पानीपत जिले में एक व्यापारी को 2 महिलाओं के साथ होटल के बंद कमरे में शराब के पैक पीना बड़ा महंगा पड़ गया। शराब पीने के बाद दोनों महिलाओं ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। सूट बूट, जींस और टॉप पहने महिलाओं ने
व्यापारी से 50,000 रूपए व सोने की चेन लूट कर फरार हो गयी। दोनों महिलाएं होटल की सीढ़ियों से उतरते हुए और कमरे से बाहर निकलते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि असल में ऑर्लव होटल में 5 जनवरी को कमरा बुक किया गया था। उन्होंने बताया कि इस कमरे में 2 महिलाएं व 1 पुरुष रात को ठहरे थे। रात को उन सभी ने इकट्ठे डिनर भी किया था, लेकिन सुबह जब व्यक्ति उठा तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। डीएसपी ने बताया कि व्यक्ति ने महिलाओं पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं पुरुष के साथ काफी लंबे समय तक कमरे में रुकी हुई थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं अन्य समाचार। झांसी के सुखवा दुखवा कॉलोनी में स्थित एक हॉल में आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की स्थापना दिवस पर वंचित वर्गों के आर्थिक अधिकारों और सामाजिक समता को लेकर सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। आरक्षण को कानून बनाकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए तथा पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए तथा समान शिक्षा लागू की जाए, सचर कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए तथा पुरानी पेंशन लागू हो, आदि चर्चा की गई। झांसी से केपी न्यूज के लिए हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। कल्याणपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया गया। समाजवादी सरकार बनाने की नीतियां तय की गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ शिव कुमार पासवान ने पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनाने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर राघवेंद्र सिंह यादव, सतीश निगम, पूर्व विधायक प्रदीप वाल्मीकि, बालेंद्र कमल, राजकुमार निषाद, किशन सिंह, संतोष भरती, ब्रजलाल उर्फ लाला, संदीप गुप्ता, मनीष कुमार उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और 2.98 लाख कीमत की नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नकली नोट नेपाल के रास्ते भारत आ रहे थे। स्पेशल सेल के DCP जसवीर सिंह के मुताबिक अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह उनकी टीम को पता चला कि नेपाल से बिहार के मोतिहारी में नकली नोट आ रहे हैं। इस सूचना पर काम करने के बाद ये पता चला कि FICN सिंडिकेट का एक प्रमुख सप्लायर राइसुल आजम को बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। वो दिल्ली NCR, UP पश्चिम बंगाल के नकली नोटों की सप्लाई करता है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी को आज एक महीना पूरा हो चुका है और इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कपल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बेहद खूबसूरत तस्वीर साझा की है। पहले तो कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रोमांटिक तस्वीर साझा की, जहां दोनों एक दूसरे को हग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पत्नी कटरीना के साथ डांस करते हुए एक तस्वीर साझा की है। दोनों की यह अनदेखी तस्वीर फैंस का दिल जीत रही है। भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं में से कुछ बेहद अजीबो गरीब हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक अजीबो गरीब प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने शादियों में देखा होगा कि दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, लेकिन देश में एक ऐसी जगह है जहां दुल्हन भी अपने होने वाले पति की मांग में सिंदूर भरती है। जानकारी के अनुसार ये प्रथा देश के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुल्हने अपने दूल्हे की मांग भरती हैं। जब ये प्रथा निभाई जाती है तो कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने
तो यहाँ विवाह के मंडप में दुल्हन का भाई अपनी बहन की उंगली पकड़ता है और दुल्हन अपने भाई के सहारे बिना देखे पीछे हाथ करके दूल्हे की मांग भर देती है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते फरवरी में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पैक आ सकता है। एक अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने यह चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार फरवरी में रोजाना देश में कोविड-19 के 5 लाख मामले आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी गंभीरता डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम होगी। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के निदेशक क्रिस्टोफर मरे ने यह अनुमान लगाया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में पूर्ण तालाबंदी की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री सीएम ठाकरे ने दिया बयान। अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी, मोदी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। दिल्ली में नकली करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़, बिहार का एक शख्स गिरफ्तार। भंडाफोड़, फरवरी में भारत में आएगी ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, अमेरिकी एक्सपर्ट का अलर्ट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।